हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जो कि जो भी नए टेली यूज़र है और जो ऑलरेडी टेली में काम कर रहे हैं उन लोगों को ये काम में आ सकता है। इस शॉर्टकट की का यूज़ क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप टेली के अंदर कोई भी वाउचर एंट्री करने के टाइम पे, कोई लेजर क्रिएशन में या कोई भी रिपोर्ट में अगर आप जाते हैं तो पर्टिकुलर उस रिपोर्ट में आप किस तरीके से रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, पर्टिकुलर उस एंट्री के अंदर क्या क्या ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए टेली में आपको एक शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। अगर आप कंट्रोल F1 शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो टेली की वेबसाइट पे वो लेके जाएगा जहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेलिंग बता देगा कि आपको सेल्स वाउचर में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें प्रिंटिंग के सारे ऑप्शन को किस तरीके से यस करना है, लोगो वगैरह कैसे इनेबल करना है, नंबर ऑफ कॉपीज़ वगैरह कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो आपको भी कुछ भी अगर क्वेरी रहेगा तो आपको वहाँ से उसका आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्स एंट्री पर हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल F1, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टेली हेल्प पे ये डायरेक्ट लेके जा रहा है और यहाँ पे वो डायरेक्ट जो हम लोग रिपोर्ट में या कोई भी ट्रांजैक्शन में रहेंगे पर्टिकुलर उसी के रिलेटेड हमें सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या ऑप्शन को आपको यस नो करना है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर अगर नीचे चेक करते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको वाउचर टाइप सेटअप का और आपको इनवॉइस ट्रांजैक्शन हम जो करते हैं ट्रांजैक्शन में भी प्रिंट का सेटिंग भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, नंबर ऑफ कॉपीज़ वगैरह चेंज कैसे करना है, इनवॉइस टाइटलिंग कैसे चेंज करना है, प्रिंट लोगो कैसे सेट करना है। ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट हमारी रहती है हम लोग जो सेल्स इनवॉइस प्रिंट वगैरह करते हैं, बैंक डिटेल वगैरह कैसे ऐड करनी है, तो सारा का सारा आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। जैसे आप सेल्स एंट्री हो गया, परचेस एंट्री हो गया, कोई भी रिपोर्ट है, मैं अभी आपको रिपोर्ट वगैरह भी दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप जो भी ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहते हो फिर आप यहाँ पर सर्च में जाकर भी चेक कर सकते हो। और अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरे वाउचर में लेकर जाता हूँ, जैसे कि पेमेंट में, और यहाँ पर मैं कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट लेके जाएगा पेमेंट एंड रिसिप्ट वाले ऑप्शन में और उसके रिगार्डिंग मुझे सारा का सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टेली पेमेंट रिसिप्ट में सिंगल एंट्री मोड होता है, डबल एंट्री मोड होता है, उसके अंदर के सारे ऑप्शंस आपको यस नो कैसे करने हैं उसका भी पूरा आपको यहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा। बैंक का लोकेशन स्क्रीन आता है उसका यूज़ भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जिसको आप अगर अच्छी तरीके से सीखो तो आपको बहुत सारा टेली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ आप टेली में इंप्लीमेंट कर पाओगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारी की सारी ऑप्शन अवेलेबल है, पूरा रजिस्टर कैसे चेक करना है, कॉलमर वगैरह कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा कोई रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाके अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैनेजिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल इन टेलीप्राइम, तो उसके रिगार्डिंग जितना भी है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सारा रिपोर्ट वगैरह कैसे चेक करना है, उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह कैसे यूज़ करना है, सब सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये टेली प्राइम की एक अच्छी शॉर्टकट की है, उसका आपको यूज़ करना चाहिए। आपको कभी भी कुछ भी कोई भी रिपोर्ट में या एंट्री लेवल पे कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली कंट्रोल F1 प्रेस कीजिए और उस जो ये स्क्रीन आपको ओपन हो रहा है वहाँ से आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेरी है वो आप अच्छी तरीके से वहाँ से आप सीख समझ पाओगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ से सीख पाओगे। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करना चाहता था, आपको मैं डिटेल में अभी आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद आप टेली प्राइम यूज़ कर रहे हो, चाहे आपका लाइसेंस वर्जन हो चाहे वो एजुकेशन वर्जन हो, आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए और इसमें जितना भी डिटेलिंग में आप सीख सकते हो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आप उसको यूज़ कीजिए और टेली में आप इसको इंप्लीमेंट। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करना चाहता था, और भी अगर टेली प्राइम में या टेली RP9 में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करना, मैं पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।